alaikum dear students. I hope you all are fine. So in this video tutorial, we are going to discuss about protozoa, which is uh, one of the group of microorganisms. As we were studying about the major groups of microorganisms, where we have studied about uh, bacteria and viruses. So this is the third category of uh, microorganisms. That is third group of microorganisms. And here we will study about protozoa, algae, and fungi. सो लेट्सटार्ट वाट इज़ प्रोटोज़ुआ अब ये प्रोटोज़ुआ जो है प्रोटोजुआ भी एक काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है यानी कि ये वन काइंड ऑफ सेल से बना हुआ होता है वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है सो दिस इज सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ये जो प्रोटोजुआ होते हैं दीज आर क्लासफाइड एज एनिमल्स यानी कि इन प्रोटोजुआ को हम एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया को हम प्लांट प्लान्ट कैटेगरी में रखते हैं सो दीज़ प्रोटोज़ आर स्टडीड इन एनिमल किंगडम सो ये जो प्रोटोज़ है इनको हम कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं कहाँ पे हम इनको जो है आ, सर्च कर सकते हैं तो ये पाउ्स में रहते हैं लेक्स में रहते हैं डर्टी वाटर ड्रेन्स में रहते हैं रिवर्स में रहते हैं सी वाटर एंड डैम सॉयल मतलब ये जो प्रोटोज़ है दीज प्रोटोज़ आर फाउंड इन पाउस लेक्स डर्टी वाटर ड्रेन्स रिवर्स सी वाटर एंड डैम सॉयल सो इन इन शॉर्ट वी कैन से दीज आर फाउंड इन एमप्योर वाटर जहाँ पे इमप्योर वाटर होगा या डट्टी वाटर होगा तो वहाँ पर ये प्रोटोजुआ ज़्यादातर पाए जाते हैं इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये प्रोटोज़ुआ है लाइक एमीबा एमीबा एक एग्ज़ाम्पल है प्रोटोजुआ की या एंट अमीबा है पैरामिशियम प्लाजमोडियम यूग्लिना एट्सट्रा दीज आर सम एग्ज़ैम्पल्स ऑफ प्रोटोज़ोआ अगर आपसे कोई ये कहे ये पूछे कि एनी एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोज़ोआ तो आप ये कह सकते हैं एमीबा कह सकते हैं एंटी कह सकते हैं या पैरामिशम भी एक टाइप ऑफ प्रोटोज़ोआ है प्लाज्मोडियम या एगलिना ये जो है एग्ज़ाम्पल्स है प्रोटोज़ोआ के सो अब जो ये एंटी एमीबा है ये एक प्रोटोजोन है प्रोटोजोन हम सिंग सिंगल प्रोटोजुआ को कहेंगे ठीक है जो कि एक प्रोटोजुआ होगा तो प्रोटोजुआ बहुत सारे होते हैं और प्रोटोजोन एक होता है एक ऑर्गेनिज्म प्रोटोजुआ की कैटेगरी का तो इनके अंदर ये क्या करते हैं दीज काज सम डिजीज तो ये डिजीज़ काज करते हैं कुछ डिजीज़ फैलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं एमीबिक डिसेंट्री सो एंटेमिबा इज़ अ प्रोटोजोन विच काज अ डिजीज़ नोन एज एमीबिक डिसेंट्री तो उसको हम एमीबिक डिसेंट्री कहते हैं उस डिज़ीज़ को जो इस एंटी एमिबा की वजह से फैलता है की वजह से होता है या हम कह सकते हैं कि एंटी एंटेमिबा uh, जो है ये एमीबिक uh, डिसेंट्री का डिजीज़ फैलाता है कॉज करता है एंड प्लाजोडियम इज़ ए प्रोटोजोन प्लाजमोडियम भी एक प्रोटोजोन है विच काजेज़ अ डिजीज़ जो डिजीज़ फैलाता है डिजीज़ काज करता है कॉल्ड मलेरिया जिसको हम मलेरिया कहते हैं इन ह्यूमैनज जो कि में एक डिजीज़ होती है प्लाजमोडियम इज़ कॉमनली नोन एज मलेरियल पैरासाइट जो प्लाजमोडियम है इसको हम मलेरियल पैरासाइट कहते हैं क्योंकि ये प्लाजमोडियम की वजह से ही ये मलेरिया होता है और ये पैरासाइट आ, वो प्लाज्मोडियम वो पैरासाइट है जो कि इसका कारण बनता है इस डिज़ीज़ का इसके बाद है अलगी तो अलगी क्या है अलगी भी एक लार्ज ग्रुप है ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मतलब ये प्लांट की कैटेगरी में हम स्टडी करते हैं इन अलगी को आउटर सेल वॉल इज़ फार्म बाई सेलूज़ इसका जो आउटर सेल वॉल है विच इज़ हार्ड कवरिंग ऑफ द सेल जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन होता है इसी तरह एक कवरिंग होती है सेल की वो हार्ड होती है तो वो सेलूज़ का बना हुआ है इस अलगी में दे कंटेन क्लोरोफिल इनके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है एंड प्रोड्यूस फूड बाई फोटोसिंथिस जैस लाइक प्लान्स तो ये अपना फूड खुद से बनाते हैं फोटोसिंथिस की प्रोसेस की वजह से जिस तरह से बाकी ग्रीन प्लाट्स बनाते हैं दे डू नॉट है प्रॉपर रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स इनके अंदर जो है ये जो रूट्स है या स्टेम्स है या लीव्स है वो प्रॉपरली यानी कि वेल डेवलप नहीं होते हैं अलगी जो है ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं यानी कि पानी में ज़्यादातर होते हैं दे नीड वैट कंडीशन टू ग्रो क्योंकि इनको जो कंडीशन चाहिए ग्रो होने के लिए डेवलप होने के लिए वो क्या है वो है वैट कंडीशन जहाँ नमी हो तो नमी आ, पानी में होती है तो इसीलिए ये एक्वेटिक है इनका हैबिटेट जो रहने का जो है रहने का कंडीशन वो एक्वेटिक है सम ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ अलगी जो अलगी की कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं वो बोल सकते हैं क्लाइडोमोनास है स्पायर है ब्लू ग्रीन अलगी है डायाटम्स है एंड सीवीड्स है तो ये कुछ एग्ज़ैम्पल्स हैं जो आप अलगी के एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं दे आर मोस्टली मल्टी सेलूलर ये मल्टी सेलूलर होते हैं यानी कि बहुत सारे सेल्स काइंड ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है क्लाइडोमोनास एंड डाइटम्स और सिंगल सेल लेकिन जो क्लाइडोमोनास और डाइटम्स है ये सिंगल सेल अलगी है वायरस ब्लू ग्रीन अलगी एंड स्पायरगैरा और मल्टी सेलुलर लेकिन ये जो ब्लू ग्रीन और स्पायरोगैरा है ये मल्टी सेलुलर तो हम ये कह सकते हैं कि अलगी ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन क्लाइडोमोनस और डायटम्स क्या है सिंगल सेल और ब्लू ग्री ब्लू ग्रीन अलगी और स्पायरगैरा जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं विच आर मेड ऑफ़ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स इसके बाद जो ब्लू ग्रीन अलगी है इनके अंदर एबिलिटी होते हैं टू फिक्स नाइट्रोजन गैस क्योंकि ये जो ब्लू ग्री, ग्रीन अलगी है ये हेल्प देते हैं इन नाइट्रिफिकेशन तो इसलिए ये इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये नाइट्रोजन गैस फिक्सेशन कर सकते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है उसमें ये जो है इनका इन्वॉल्व उसमें होते हैं उसमें ये इनकी एबिलिटी होते हैं कि नाइट्रोजन गैस को फिक्सेशन कर सकते हैं नाउ दिस अनदर कैटेगरी विच फंगई तो ये फंघई भी एक लार्ज ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है लेकिन इनके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होता तो ये फ़र्क़ है अलगी में और फांगा में है तो दोनों ही प्लांट की कैटेगरी के लेकिन फांगई के अंदर क्लोरोफिल नहीं है एंड डू नॉट फोटोसिथिसाइज़ जब इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल नहीं तो इनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये फोटोसिथिस कर सकें आउटर सेल वॉल इज़ फॉर्मड बाय फंगस सेल्लूस इसमें जो सेल वॉल बना है वो फंगस सेल्लूस का बना हुआ है और इसकी एग्जाम्पल क्या है इसकी एग्ज़ाम्पल यीस्ट एक में है जो कि फ़ंघे है मोल्ड है जैसे ब्रेड मोल्ड होता है पेनसिल होता है एंड अस्पर्जिलस मशरूम्स होते हैं एंड पफ बॉल्स जो होते हैं ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फंघ के ऑल फंघे जो सारी फंग है एक्सेप्ट ईस्ट ईस्ट के बगैर जो फंग है और मीड अप ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड हाइफ़ी ये कुछ थ्रेड्स के बने हुए थे जिसको हम हाइफ़ी कहते हैं फंगे और सैप्रोफाइटिक ये जो फंगे होते हैं ये सैप्रोफाइटिक होते हैं मतलब ये डेड एंड डिकिंग मैटर पे डिपेंड करते हैं क्योंकि खुद तो ये फूड प्रापियर नहीं कर पाते हैं तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं यानी कि डेड एंड डिकिंग मैटर पे डिपेंड करते हैं और पैरासाइट पैरासाइटिक भी हो सकते हैं मतलब ये किसी के ऊपर पैरासाइट बनता है और वो इसके लिए होस्ट बनता है तो वहाँ से ये अपना फूड हासिल करता है दे नीड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन टू ग्रो इनको नमी जहाँ है और जहाँ गर्मी हो थोड़ा सा वो कंडीशन चाहिए ताकि ये ग्रो हो ताकि ये डेवलप हो डिजीज़ काज बे आर जो डिजीज़ होते हैं इन फंगस की वजह से वो रिंग वर्म है एंड एथलीट्स फूड तो एथलीट्स फूड और रिंगवर्म एक डिजीज़ है ये ऐसी डिजीज़ है जो फंगस की वजह से फैलती है जो फंगस से काज होती है अब आप यहाँ देख सकते हैं पहला जो फिगर है ये बैक्टीरिया की फिगर है ये आप देख सकते हैं ये बैक्टीरिया की फिगर है जहाँ आप स्पायरल शेप बैक्टीरिया देख सकते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया देख सकते हैं इसके बाद आप वायरसेस देख सकते हैं कि ये वायरसेस किस तरह के किस शेप के होते हैं राउंड शेपड होते हैं या इस तरह से आप हेक्गनल हेड जिसमें है ये देख सकते हैं इसके बाद आपके प्रोटोजवा है जहाँ आप एमीबा देख सकते हैं किस तरह होता है विच हैज़ विच इज़ नॉट दिस लाइक सेम पैटर्न तो इसमें जो पैटर्न है इस एमीबा का टेढ़ा मेडासा जैसा कुछ बना हुआ होता है और पैरामिशियम आप देख सकते हैं ये पैरामिशियम जैसे सोल ऑफ शू है उ, उस शेप का बना होता है पैरामिशियम जो कि प्रोटोजोआ की कैटेगरी है इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं क्लाइडोमोनास जो कि अलगी की एक जो है माइक्रो ऑरेंज की एग्जाम्पल है स्पायर वगैरह आप देख सकते हैं इधर चेन जैसा तो ये देख सकते हैं स्पायर वगैरह की शेप कैसी होती है ये आप ब्रेड मोल्ड देख सकते हैं ऊपर हेड जो स्पायरिकल हेड इनके है फिर उसके बाद आप देख सकते हैं किस शेप के हैं पेंसिलीन आप देख सकते हैं पेंसिलीन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसके अंदर इस इसी इसी तरह एस्परजल्स है जिसका एक हेड है इसमें भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है अलग अलग तरीके के इस शेप के होते हैं ये माइक्रो आर्न जहाँ आपने देखा कि बैक्टीरिया है वायरसेस है और इधर आपने, आपने अमीबा देखा पैरामिशियम प्रोडोसुआ में फिर आपने अलगी में क्लाइडोमोनस और सफायर वगैरह देखा और फांगई में आपने देखा ब्रेड मोल्ड पेंसिलीन एंड एस्पर्जिलस तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे ताकि आगे जाके आपके काम आएंगे तो ये यहाँ तक था इसके मेजर ग्रुप्स जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया इसके बाद हम आगे इन शर्दर डिस्कस करेंगे माइक्रो आउज के चैप्टर में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे तब तक गुड बाय अल्लाह हाफिज़ थैंक यू